हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स और इक्वल सेट्स, ठीक है। हम तीन टॉपिक्स इसके पढ़ेंगे। तो अब इंट्रोडक्शन देखते हैं, सेट्स होते क्या है। तो द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है। स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूँ, ये हम MH बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से सिलेबस हम इसका करेंगे 11th क्लास का, ठीक है। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, मतलब कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम बोल सकते हैं बकेट ऑफ फ्लावर्स, एक गुलदस्ता है फूलों का, तो वो क्या हो गया, फूलों का कलेक्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेट। फिर जैसे कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जैसे पंछियों का झुंड, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक सेट। फिर पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब ताश के पत्ते का जो पूरा सेट होता है, पैक होता है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, सेट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। एग्जाम्पल्स हमने क्या देखे, पैक ऑफ कार्ड्स, बकेट ऑफ फ्लावर्स और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फूलों का गुलदस्ता, पंछियों का झुंड और जो कार्ड्स होते हैं उसका पूरा एक पैक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कैपिटल इंग्लिश लेटर्स ABC एक्सेट्रा आर यूज टू डिनोट अ सेट। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं A से लेकर Z तक, वो क्या डिनोट करते हैं, सेट। फॉर एग्जाम्पल, A इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है, ये पूरा सेट है जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, A से, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इज नोन एज मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। कोई भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है पूरे सेट का, कोई एक अकेला मेंबर होता है, एक अकेला ऑब्जेक्ट होता है, तो उसे हम एलिमेंट या फिर मेंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 2 है, तो इस 2 को हम क्या बोलेंगे, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A, या फिर 2 इज अ मेंबर ऑफ सेट A। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाई लोअर केस लेटर्स ABC एक्सेट्रा, ठीक है। जो एलिमेंट्स है सेट के, वो हम किससे डिनोट करते हैं, लोअर केस लेटर्स ABC एक्सेट्रा। जो एलिमेंट्स है, यानी कि ये जैसे 2, 3, 5, 4, 5 है, तो अगर हमको इसके एलिमेंट्स बताने हैं, तो हम इसको स्मॉल लेटर्स जैसे ABC एंड सो ऑन से डिनोट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, If A is an element of set A, then it is written as A belongs to A. ये जो साइन है E का, तो ये क्या दर्शाएगा, A belongs to A and is read as A is an element of set A. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A किसी भी element, किसी भी set capital A का element है, तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, और उसको पढ़ेंगे कैसे, A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A. सिक्स पॉइंट देखते हैं, इफ A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, देन इट इज रिटर्न एज A नॉट बिलोंग्स टू A. ठीक है, ये इस प्रकार का सिंबल हो जाएगा, और इसको पढ़ेंगे कैसे, A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल A. क्लियर, आई होप 6 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसको हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, n, ये n क्या डिनोट करेगा, नेचुरल नंबर कैपिटल, और कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि हम इसको कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स 1, 2, 3, हर एक एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से सेपरेट करते हैं। चलो, तो नेचुरल नंबर्स हमने n से डिनोट किया है, कैपिटल n से, और कर्ली ब्रैकेट्स में लेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में लेते हैं मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर हम बात करें 1 to 10 के बीच के प्राइम नंबर्स, तो 1 से 10 के बीच के प्राइम नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 1 को छोड़ दिया 3, देन 5, देन 7, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स 1 से लेकर
10 के बीच के, तो इतने ही इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे। मतलब जो कर्ली ब्रैकेट होता है वो स्पेसिफिक वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको लिखना है सेट्स में n इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 3, एंड सो ऑन। फिर सेट ऑफ होल नंबर, अगर होल नंबर्स की हम बात करें तो होल नंबर में 0 भी आता है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया सभी को। अब आगे देखते हैं क्या है मैथड्स ऑफ सेट। मैथड्स कौन कौन सी होती है सेट्स की, तो दो मैथड्स हमारे पास होती है। दो मैथड कौन कौन सी होती है सेट को लिखने के लिए, लिस्टिंग मैथड जिसे हम रोस्टर मैथड भी बोलते हैं, और दूसरी होती है रूल मैथड जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। लिस्टिंग मैथड और रूल मैथड। तो अब देखते हैं लिस्टिंग मैथड क्या होती है, इसे हम पॉइंट्स में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है, इन दिस मैथड ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस मैथड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जैसे कि ए एक सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 और 10 के बीच के प्राइम नंबर्स, तो वो हो जाएंगे 3, 5, 7, ठीक है। फिर बी एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसे हमने कॉमा लगाए हैं तो ये एलिमेंट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमास से, क्लियर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्डर है एलिमेंट का वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। मतलब हम जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो हम इसको 7 को पहले लिख सकते हैं या 5 को भी पहले लिख सकते हैं या 3 को भी पहले लिख सकते हैं, इट इज इमटेरियल, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर पॉइंट नंबर डी, एन एलिमेंट इफ रिपीटेड इज लिस्टेड ओनली वंस। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 2, 3, 7, 2, 1, 3, ठीक है। अब इसमें सेट, इसको हमें सेट में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 7। अब 2 रिपीट हो गया है तो उसको नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 भी रिपीट हो गया है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, क्लियर। तो इस प्रकार से लिखा है हमने, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 7। मतलब उसका जो सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है जो एलिमेंट्स का, वो इमटेरियल होता है, ठीक है। इस एग्जांपल से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या है कि हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, दूसरा पॉइंट कि हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, तीसरा पॉइंट कि जो इसका ऑर्डर है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि अगर एक बार हमने उस एलिमेंट को लिख लिया है तो वो वापस रिपीट नहीं होगा। तो इस एग्जांपल से वो भी क्लियर हो गया है। समझ में आया सभी को लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड क्या होती है, ठीक है। अब रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। तो रूल मेथड क्या है, इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड। इस मेथड में क्या होता है कि लिस्ट में नहीं होते हैं एलिमेंट। Elements of the set are described by specifying the property which determines the elements of the set uniquely. ठीक है, इसको भी हम example से समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है rule method में कि हम इसको एक definition के तौर पर लिखते हैं। अगर हम आम भाषा में बात करें तो हम एक definition के तौर पर इसको brackets में लिखते हैं, ठीक है। हम इस प्रकार से comma करके नहीं लिखते, बल्कि इसको एक statement में या फिर एक definition में हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10, अगर हम ऑड नंबर की बात करें 1 से लेकर 10 तक, तो वो लिस्टिंग मेथड में हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 5, 7, 9, है ना। ऑड नंबर्स लिख दिए हमने सारे। लेकिन इसको रूल मेथड में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट x/x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो a वाला सेट है इसमें ऐसे नंबर्स हैं सच दैट कि वो 10 के नीचे के ऑड नंबर्स हैं, वो ऑड नंबर्स हैं लेकिन 10 से कम वाले हैं, लेस देन 10, ठीक है। और ये जो स्लैश है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लैश
सच दैट, ठीक है, सच दैट, ये जो स्लैश है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सच दैट। अब और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं लिस्टिंग मेथड के और रूल मेथड के। अब जैसे लिस्टिंग मेथड में हमें ये दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये क्या है सारे इवन नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर भी है और इवन नंबर्स भी है। तो हम इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स स्लैश एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और कितना है 15 से नीचे है तो हम इसको लिख देंगे लेस देन 15, ठीक है, समझ में आया सभी को रूल मेथड में हमको किस प्रकार लिखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं जैसे ये है 4, 9 और 16। अब ये तो हमें ना इवन, इसमें इवन भी है और ऑड भी है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 3 किसका, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। मतलब ये जो तीनों दिए हैं नंबर्स ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स स्लैश एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से लेकर 20 तक, तो 1 to 20, ठीक है। फिर सी वाला पॉइंट देखते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, वॉवल्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्लैश एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, या फिर हम वाई से भी रिप्रेजेंट करते कर सकते हैं, जैसे वाई स्लैश वाई इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब डी वाला देखते हैं, ये क्या दिया है, वी आई बी जी यू जी वाई ओ आर, यानी विबग्योर। अब ये जो विबग्योर है ये काय का है, क्या हमने बचपन में पढ़ा है, रेनबो, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये क्या है, विबग्योर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डी इज इक्वल टू ब्रैकेट वाई स्लैश वाई, या फिर आप लिख सकते हो एक्स स्लैश एक्स इज अ कलर इन द रेनबो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ई वाला देखते हैं, तो ये क्या दिया है, -2, -1, 0, 1, 2, तो ये क्या है सारे इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स ऐसे ही होते हैं, माइनस आगे से माइनस और पीछे से पॉजिटिव नंबर और बीच में जीरो। तो हम इसको लिखेंगे ई इज इक्वल टू एक्स स्लैश एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, बिलोंग्स टू इंटीजर, आई फॉर इंटीजर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो -3 से लेस देन है एक्स और ग्रेटर देन कहाँ पर है, 3, मतलब 3 से छोटा और -3 से बड़ा, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई यानी इंटीजर विच इज लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन लेस देन 3, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं सॉरी लेस देन 3। अब ये वाला देखते हैं, m 1 8 27 64 125, तो अब ये हमको क्या दिख रहा है, जैसे ये इंटीजर था तो हमने क्या लिखा इसको, बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये क्या दिख रहा है हमें, क्यूब्स दिख रहे, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8, फिर 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 4 4 16 एंड 16 4 64, यानी 4 का क्यूब होता है 64 एंड 5 का क्यूब होता है 125 और 1 का क्यूब 1। मतलब ये जो 5 नंबर है ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब,
फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल टू n का क्यूब, n फॉर दिस नंबर्स, है ना, n मतलब क्या है, ये नंबर्स, कॉमा 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू n ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 5 तक जो ये नंबर्स है उसके क्यूब है, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स थे लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज देखेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। थैंक यू।